हेलो दोस्तों, ऑर्गेनिक विद आशीष सर में आप सभी का स्वागत है। आईयूपीएसी नामकरण की सीरीज में आज का जो हमारा ये वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए नामकरणों का अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। ये 18, 19, 20, 21, 22 वो एग्जाम्पल हैं जिनमें सारे मैंने प्रक्रियात्मक समूह पर बेस लिए हैं। चार प्रक्रियात्मक समूहों को मैंने लिया है आपको समझाने के लिए। और इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देख रखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, क्योंकि ये लिंक हो रहा है। ये 18th एग्जाम्पल है, इसके पहले के 17 एग्जाम्पल इसके पहले वाले वीडियोज़ में हैं। तो अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको देख लें, अदरवाइज ये आपके समझ में नहीं आएगा। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला काम होता है मुख्य कार्बन श्रृंखला बनाना। तो ये आपने मुख्य कार्बन श्रृंखला बना ली। जैसे ही आपने मुख्य कार्बन श्रृंखला बनाकर कंप्लीट की, आपको यह एहसास हुआ कि यहाँ पे एक बंदा लगा हुआ है जो कि है OH। अब OH जो है वो बड़े बड़े लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं 1 डिग्री अनुलग्न में, और इनको कहा जाता है क्रियात्मक समूह। तो OH जो है वो आपका क्रियात्मक समूह है। अब OH को देख करके आपको ये ख्याल आता है कि OH अगर नाम के पीछे आएगा, कि OH अगर नाम के पीछे आएगा तो क्या लगेगा। अगर OH नाम के पीछे आएगा तो क्या लगेगा, यही बताने के लिए मैंने ये टेबल बनाई है। अभी इस टेबल में इन एग्जाम्पल्स में सिर्फ आपको इन लाल वाले नाम पर फोकस करना है। ये इस पेन से क्या लिखा हुआ है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। तो OH जब नाम के पीछे आएगा तो OH है एल्कोहल, और जब नाम के पीछे आएगा तो लगेगा ऑल। बस इस बात को ध्यान में रखें। तो नाम लिखते हैं 1 डिग्री पूर्व लग्न, ClBrIFCH3, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिंग बन रही है क्या? इसके अंदर रिंग नहीं बन रही है। कितने कार्बन है? 1, 2, 3, 3 कार्बन है। तो मैथ एथ प्रॉप। अब नंबरिंग करनी पड़ेगी। नंबरिंग कैसे करनी है कि OH को कम से कम नंबर मिले। इधर से करोगे तो 1, 2, 3 पर आएगा, इधर से करोगे तो फर्स्ट पे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वाली नंबरिंग बिल्कुल सही है। तो मैंने कहां तक लिखा, ये था नहीं ClBr, ऐसा कुछ नहीं था, छोड़ो आगे बढ़ो, रिंग बन नहीं रही थी। कितने कार्बन है? 1, 2, 3, 3 कार्बन के लिखते हैं प्रोप। मैंने यहां तक लिखा कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बंद है, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, मतलब क्या लिखोगे, एन। तो प्रोप प्लस एन क्या हो गया, प्रोपेन। अब बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोगों का नाम सबसे लास्ट में आता है। बड़े लोग में कौन है, एल्कोहल है। एल्कोहल के लिए क्या लिखते हैं, ऑल लिखते हैं। एल्कोहल कौन से नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे है, तो प्रोपेन 1। इस तरह से नाम लिखा जाता है। सेकंड एग्जांपल, इसमें अगर आप मुख्य कार्बन श्रृंखला बनाए तो ये है मुख्य कार्बन श्रृंखला। इसमें इस कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहां पे एक बड़ा ग्रुप आ रहा है। वो बड़ा ग्रुप कौन है, देखिए ढूंढिए, वो बड़ा ग्रुप ये वाला है, मतलब कार्बोक्सिलिक है। तो बड़ा वाला ग्रुप है कार्बोक्सिलिक, नाम के पीछे आएगा, और नंबरिंग यहीं से करनी है, क्योंकि आपको इस तरह से नंबरिंग करनी होती है कि जो आपका क्रियात्मक समूह है उसमें अगर कार्बन है, जैसे इस क्रियात्मक समूह में कार्बन है, इस वाले क्रियात्मक समूह में कार्बन नहीं था, तो आपको नंबरिंग ऐसे करनी है कि जिस क्रियात्मक समूह में कार्बन है उसको कम से कम नंबर मिले, या जिस क्रियात्मक समूह में कार्बन नहीं है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको कम से कम नंबर मिले। ठीक है, तो नंबर 1, 2, 3 नाम लिखने के लिए दिमाग नहीं लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है, ClBrIF जैसा कुछ है, इसके अंदर ClBrIF जैसा कुछ नहीं है। रिंग बन रही है, इसके अंदर कोई रिंग नहीं बन रही है। कितने कार्बन है मुख्य श्रृंखला में, 1, 2, 3, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हो, प्रॉप। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है क्या, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड से कंफ्यूज मत होना, ये डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है। यहां पे बॉन्ड देखा जाता है कार्बन कार्बन के बीच में, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही है, तो प्रोप प्लस एन हो गया प्रोपेन। उसके बाद ये बड़ा वाला ग्रुप है, बड़ा वाला ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल जब नाम के पीछे आता है, मैंने कहा था सिर्फ लाल वाले पे फोकस करना, क्या आ रहा है, ओइक अम्ल। तो इसका मतलब ये आ गया प्रोपेन, कौन से नंबर पे, फर्स्ट पे, प्रोपेन 1, ओइक अम्ल। एक को लिखना जरूरी नहीं होता, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, प्रोपेनोइक अम्ल, संधि करके इसको भी कर सकते थे, प्रोपेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप मतलब क्रियात्मक समूह। इस क्रियात्मक समूह का कार्बन चेन में आना चाहिए, तो ये बन गई हमारी कार्बन की चेन, कार्बन की श्रृंखला।
नामांकन इस तरह से करना है कि क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिले, तो यहां क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिलेगा 1, 2, 3। इधर से करता तो थर्ड नंबर पे आता, इधर से कर रहा हूं तो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, मतलब ये नंबरिंग बिल्कुल सही है। अब देखो क्या CLBR आई ऐसा कुछ है, इसके अंदर CLBR आई ऐसा कुछ नहीं है, आगे बढ़ो। क्या रिंग बन रही है, इसके अंदर कोई रिंग नहीं बन रही, आगे बढ़ो। मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 3 कार्बन है। मैथ एथ प्रॉप, तो ये हो गया आपका प्रॉप। कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इसको देख के कंफ्यूज मत होना, ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में है, हमें कार्बन कार्बन से मतलब होता है, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एन क्या हो गया ये प्रोपेन। अब ये ढूंढो कि ये बड़ा वाला ग्रुप कौन सा है, तो ये बड़ा वाला ग्रुप अगर ढूंढोगे तो ये रहा, कौन है, अमाइड है। अमाइड जब नाम के पीछे आता है तो क्या लगता है, इस लाल अक्षर में जो लिखा है उस पर ध्यान दो, इन पे ध्यान नहीं देना, ऐसा मैंने बताया स्टार्टिंग में। तो ये आपका अमाइड है, आपने ढूंढ लिया इसको यहाँ पे, ये अमाइड जब नाम के पीछे आता है तो क्या लगता है, अमाइड ही लगता है, क्या बात है, इसका नाम भी अमाइड, लगेगा भी अमाइड, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1-amide। कंबाइन करना चाहो तो प्रोपेनमाइड हो जाएगा ये। ये भी इसका नाम हो सकता, ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है यार, आपको सिर्फ क्रियात्मक समूह देखना है, नाम के पीछे आता है तो क्या लगता है वो यहां पे लिखा हुआ है, उसको इस जगह पे फिट करना है, आगे की इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, ये फॉर्मूला सच में जादुई है। नेक्स्ट, ये आपने कर लिया, ये आपका कार्बन श्रृंखला हो गई। कार्बन श्रृंखला बनाते वक्त एक बार ध्यान रखें, यदि क्रियात्मक समूह में कार्बन है तो वो चेन में आना ही चाहिए, अगर क्रियात्मक समूह में कार्बन नहीं है तो जिस कार्बन पे वो जुड़ा हुआ है वो चेन में आना चाहिए, चाहे चेन बड़ी बने चाहे छोटी बने, जिस क्रियात्मक समूह जिस कार्बन जुड़ा हुआ है वो चेन में आना ही चाहिए, चाहे चेन छोटी बने चाहे बड़ी बने, ये ध्यान रखना। अब यहां पर नंबरिंग करोगे तो 1, 2, 3 ये तो सीख गए होगे आप, इधर से करोगे तो थर्ड नंबर पे आएगा, इधर से करोगे तो फर्स्ट नंबर पे आएगा, ठीक बात है। अब CLBR ऐसा कुछ है, इसके अंदर CLBR जैसा कुछ नहीं है, आगे बढ़िए। रिंग बन रही है, इसके अंदर कोई भी रिंग नहीं बन रही है, आगे बढ़िए। कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 3 कार्बन की क्या लिखते हो आप, प्रॉप लिखते हो। क्या कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है, यस कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है, एकल बंध के लिए क्या आता है, एन आता है, तो ये हो गया प्रोपेन, क्या बात है। आगे अब ढूंढो, क्योंकि क्रियात्मक समूह है यहाँ पे और क्रियात्मक समूह नाम के सबसे पीछे आएगा, तो क्रियात्मक समूह कौन सा है, इस टेबल में जब आप क्रियात्मक समूह को ढूंढोगे तो आपको मिलेगा कि सल्फोनिक, ये है सल्फोनिक अम्ल, और ये नाम के पीछे आता है तो क्या लगता है, वो लाल लाल अक्षरों में लिखा हुआ है सल्फोनिक अम्ल, तो बस कुछ नहीं करना। प्रोपेन फर्स्ट पे कौन है, नाम के पीछे आता है तो ये लगता है, उठा के लिख दो 1-sulfonic अम्ल, हो गया सिंपल। इधर देखो, ये आपकी बनी कार्बन श्रृंखला, इसमें जो क्रियात्मक समूह है वो ये वाला है। अब ये वाला क्रियात्मक समूह कौन सा है, ये इसमें ढूंढो आप एक बार, मैं आपको समय दे रहा हूं, इसमें ढूंढो आप एक बार, मिला दोस्तों, ये वाला है कीटोन, सी डबल बॉन्ड ओ, ये दो मुंह खुले हुए हैं, इन दोनों जगह पे क्या आएगा, कार्बन आएगा, इधर भी कार्बन आता है इधर भी कार्बन आता है, देखो सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, ठीक बात है। नामांकन करना है 1, 2, 3, 1, 2, 3, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कहीं से भी कर लो, तो 1, 2, 3, 4, 5, चलिए नाम लिखना शुरू करते हैं। CLBR ऐसा कुछ है, कुछ नहीं है, रिंग बन रही है, नहीं बन रही, कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 के लिए क्या लिखते हो, पेंट। बॉन्ड कैसा है, सिंगल है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल है, कार्बन ऑक्सीजन के देख के कंफ्यूज मत होना, कार्बन ऑक्सीजन का देख के कंफ्यूज मत होना, कार्बन ऑक्सीजन का देख के कंफ्यूज मत होना, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिखते हैं एन, तो ये क्या बन गया, पेंटेन। उसके बाद क्या कोई क्रियात्मक समूह है, क्योंकि यहां तो लिख दिया, ये बचा है, हाँ क्रियात्मक समूह है, कौन है, कीटोन है, कीटोन जब पीछे आता है तो क्या लगता है, ओन लगता है, मस्त होकर के लिख दीजिए कि कीटोन है, कौन से नंबर पे है दोस्तों, तीसरे नंबर पे, तो 3 पे ओन। अब इसको पेंटेनॉन मत कर देना, क्योंकि 3 को नहीं हटा सकते आप, 1 को हटा सकते हो, 1 को हटाने का मतलब अंडरस्टूड होता है 1 है, बट 3 अंडरस्टूड नहीं होता, 3 तो लिखना पड़ेगा, तो इसका नाम हुआ पेंटेन 3 ओन, थर्ड नंबर पे ये है, ये मतलब ये।
तो मैंने कुछ एग्जांपल आपको कराया जिसमें मैंने सिर्फ क्या लिया था, क्रियात्मक समूह। अब मैं ले रहा हूं क्रियात्मक समूह प्लस प्रतिस्थापी प्लस डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, उन एग्जांपल्स को करते हैं। देखिए अब दोस्तों अपन डिस्कस करते हैं ऐसा एग्जांपल जिसमें प्रतिस्थापी भी होगा, जिसमें क्रियात्मक समूह भी होगा और जिसमें डबल बॉन्ड भी होगा या ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। देखिए जब भी हमें कंपटीशन करना होता है तीन लोगों के बीच में, वो तीन लोग कौन कौन से हैं? एक है क्रियात्मक समूह, एक है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड और लास्ट है प्रतिस्थापी। और ये कंपटीशन किस चीज का है? ये कंपटीशन है नामांकन का कि किसको नंबर कम दें, क्रियात्मक समूह को नंबर कम दें, डबल बॉन्ड को कम दें, ट्रिपल बॉन्ड को कम दें या प्रतिस्थापी को कम दें। पहले समझ लो कौन क्या क्या है। क्रियात्मक समूह वो सारे हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं, ये वाले डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आप जानते हैं, और प्रतिस्थापी हैं ये क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन CH3। तो किसको कम नंबर दें? दोस्तों इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूं कि जैसे मान लीजिए आपके घर में मेहमान आते हैं। अब मेहमान में तीन तरह की वैरायटी आपको देखने को मिलती है। मेहमान जो आए हैं उनमें एक बच्चा है, एक 30-35 साल के युवा है और एक 60 साल के बुजुर्ग है। इस तरह के मेहमान आपके घर में आते हैं। जब आप पानी लेके जाते हो तीनों को पिलाने के लिए, तो आप स्कैन करते हो। स्कैन किस तरह से करते हो कि इन तीनों वैरायटी में सबसे पहले पानी उसको पिलाएंगे जो सबसे बुजुर्ग है, क्योंकि उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले बुजुर्ग को पानी पिलाया जाता है, उसके बाद जवान को, और सबसे लास्ट में बच्चे को पानी देते हैं। ये हमारे घर में संस्कार हमें दे आते हैं कि सबसे पहले सबसे बड़े को पानी पिलाओ, फिर उससे कम, फिर उससे कम। बिल्कुल वैसे ही यहां पर जो हम देखते हैं ऑर्डर प्रायोरिटी जो है वो है क्रियात्मक समूह की। सबसे ज्यादा ये सबसे ज्यादा बुजुर्ग हैं, उसके बाद है डबल बॉन्ड, उसके बाद है ट्रिपल बॉन्ड और सबसे छोटा बच्चा कौन है? प्रतिस्थापी। तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है उसको कम नंबर मिलेगा। जो क्रियात्मक समूह है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है तो उसको सबसे कम नंबर मिलेगा। ये प्रायोरिटी है। जैसे जो बुजुर्ग है उनको सबसे पहले पानी मिलेगा, तो क्रियात्मक समूह की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, इसको सबसे कम नंबर मिलेगा। अगर इसका और इन सब का कंपटीशन होगा, अगर डबल बॉन्ड का इन सब का होगा तो डबल बॉन्ड जीतेगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड और प्रतिस्थापी का होगा तो प्रतिस्थापी हारेगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जीतेगा। मतलब ये सीक्वेंस फॉलो होगी, समझ रहे हो बात को? अगर मान लो आपके घर में एक ऐसा मेहमान आया कि केवल बच्चा ही है, एक ही बच्चा आया छोटा सा, तो पानी लेके जाओगे सबसे पहले कौन पिएगा? बच्चा ही पिएगा। तो अभी तक जितने भी एग्जाम्पल थे उनमें प्रतिस्थापी ही था, तो सबसे कम नंबर आप उसी को दे देते। या फिर आपके घर में केवल बुजुर्ग ही आए हैं, तो ऐसे एग्जाम्पल लिए थे मैंने जिसमें केवल क्रियात्मक समूह था, तो आप केवल उसी को दे रहे थे। अगर इसके अलावा जो मैंने एग्जाम्पल लिया उनमें केवल डबल बॉन्ड था तो आप केवल उसको दे रहे थे। अब ये साथ में है इन चारों एग्जाम्पल्स में, तो आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है उसको कम नंबर मिलेगा, जो सबसे बड़ा है वो सबसे पहले पानी पिएगा। ये बात याद रखना। शुरू करते हैं। सबसे पहले लंबी कावन श्रृंखला बना लो। ये बन गए लंबी कावन श्रृंखला। अब यहां पर दो लोग हैं, एक तो है प्रतिस्थापी, दूसरा कौन है? क्रियात्मक समूह। और इनको पहचानने में तो दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। ये रहे आपके क्रियात्मक समूह, ये रहे आपके प्रतिस्थापी। तो कौन बड़ा है? क्रियात्मक समूह बड़ा है। किसको नंबर पहले मिलेगा? क्रियात्मक समूह को पहले मिलेगा। जो सबसे बुजुर्ग होगा सबसे पहले पानी वो पिएगा। मतलब यहां पे नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4, क्योंकि ये बड़े लोग हैं, पहले नंबर दोगे। नंबरिंग कर ली। नंबरिंग करने के बाद दिमाग नहीं लगाना है, नंबरिंग करने के बाद फॉर्मूला लगाना है। लगाओ फॉर्मूला। 1 डिग्री पूर्व लग्न, सबसे पहले किसको मेंशन करते हैं? CLBR को। क्या CLBR है? बिल्कुल है। कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। तो क्या लिखोगे? 3 पर क्लोरो, उसके बाद रिंग बन रही है क्या? रिंग नहीं बन रही।
कितने कार्बन है? चार कार्बन है। चार कार्बन के लिए क्या लिखोगे? ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बंद है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है हर जगह, तो क्या लिखोगे? एन। ये हो गया ब्यूटेन। क्या कोई क्रियात्मक समूह है? बिल्कुल है। कौन है? अल्कोहल है। अल्कोहल के लिए क्या लिखते हैं? ऑल लिखते हैं, तो ब्यूटेन वन ऑल। ये हो गया इसका नाम। नेक्स्ट वाला देखिए, ये बन गई कार्बन चेन। कौन कौन से लोग हैं? एक तो है आपका द्विआबंध और एक है आपका प्रतिस्थापी। किसको पहले नंबर दोगे? देखो कौन बड़ा है, डबल बॉन्ड बड़ा है कि प्रतिस्थापी बड़ा है? डबल बॉन्ड बड़ा है तो पहले पानी ये पिएगा, पहले नंबर इसको मिलेगा। तो अगर मैं यहां से नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 के बाद में आएगा डबल बॉन्ड, और इधर से नंबरिंग करूंगा तो फर्स्ट के बाद में आएगा। तो क्योंकि डबल बॉन्ड बड़ा है इसलिए उसको पहले नंबर मिलेगा, तो यहां से 1 इसको, 2 इसको, 3 इसको, 4 इसको। ये सारा दिमाग नंबरिंग लगाने तक रखना है, उसके बाद दिमाग नहीं लगाना, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है? ये लिखा सामने, सबसे पहले किसको लिखते हैं? पूर्व लग्न को। क्या इसमें सीएल ऐसा कुछ है? बिल्कुल है। कौन से नंबर पे है? चौथे नंबर पे है सीएल, चौथे नंबर पे है क्लोरो, तो 4 क्लोरो। गलती मत करना नाम लिखने में, 4 क्लोरो। उसके बाद रिंग बन रही है क्या? रिंग नहीं बन रही। कितने कार्बन है? चार कार्बन। 1 2 3 4। चार के लिए क्या लिखते हो? ब्यूट। तो ये क्या हो गया? 4 क्लोरो ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में डबल सिंगल बॉन्ड में देखो क्या है, डबल बॉन्ड है। मैंने सिखाया था इसके लास्ट लेक्चर्स में कि अगर डबल बॉन्ड है तो केवल डबल को मेंशन करते हैं, बाकी सारे अपने आप क्या होते हैं? सिंगल होते हैं। तो केवल डबल को मेंशन करना है। कौन से वाले के बाद में डबल बॉन्ड है? फर्स्ट वाले के बाद में डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट वन ईन। तो इसका नाम हो गया 4 क्लोरो ब्यूट 1 ईन। बस नामांकन में ध्यान रखना है, बस नंबरिंग में ध्यान रखना है, नंबरिंग में प्रायोरिटी का ध्यान रखना है, ठीक है। योर एग्जाम्पल देखो, ये बन गई आपकी लंबी कार्बन श्रृंखला। अब पहले सीएल को नंबर दें कि पहले ओएच को नंबर दें? अब तो सीख गए होंगे, सीएल जो है वो प्रतिस्थापी है, ओएच जो है वो क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह वो खास समूह होते हैं जो जब कार्बन में लगते हैं तो उसको कुछ नया बना देते हैं। कौन सा वाला क्रियात्मक समूह है? ये एल्कोहल वाला। तो आप देखो पहले किसको नंबर दोगे? पहले उसको नंबर दोगे जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है। किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? क्रियात्मक समूह की। तो अगर मैं इधर से नंबर दूंगा तो क्रियात्मक समूह आएगा चौथे नंबर पे, 1 2 3 4। इधर से दूंगा तो आएगा दूसरे नंबर पे, मतलब ये वाली नंबरिंग सही है, 1 2 3 4 5। इसको बाद में नंबर मिलेगा, इसको पहले नंबर मिलेगा। नंबर बाद में मिलेगा, लिखा ये पहले जाएगा, क्योंकि लिखने के लिए दिमाग नहीं चलाना। लिखने के लिए क्या चलाना है? फॉर्मूला। और नंबरिंग के लिए क्या लगाना है? दिमाग। दिमाग कैसे लगाना है? इसकी हेल्प से। आसान है दोस्तों, ध्यान से देखोगे तो सब समझ में आएगा। अब ये मैंने नंबरिंग कर दी दिमाग लगा के, अब मैं लगाऊंगा फॉर्मूला। सबसे पहले किसको लिखते हैं? सीएल को लिखते हैं। कौन से नंबर पे? सीएल चौथे नंबर पे, तो 4 क्लोरो। उसके बाद रिंग बन रही है क्या? नहीं बन रही। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हो? पेंट। हर जगह क्या है? सिंगल बॉन्ड, तो क्या लिखोगे? पेंटेन। उसके बाद बड़े बड़े लोग हैं, बिल्कुल है। क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह कौन है? एल्कोहल है। एल्कोहल के लिए क्या लिखते हैं अपन? ऑल लिखते हैं। कौन से नंबर पे है? 2 पे, तो पेंटेन टू ऑल। तो ये हो गया 4 क्लोरो पेंटेन टू ऑल। फिर से सबसे पहले सीएल पे मेंशन करते हैं, 4 पे क्लोरो है। रिंग बन नहीं रही, कितने कार्बन है? 5 कार्बन, तो लिख दिया मैंने पेंट। कार्बन कार्बन के मध्य है सिंगल बॉन्ड, तो एन, पेंटेन। और उसके बाद बड़े बड़े लोग हैं, बिल्कुल है। कौन है? एल्कोहल, तो क्या लिखोगे? 2 के ऊपर ऑल। ओके लास्ट एग्जांपल, इसमें देखोगे तो दो लोगों के बीच में कंपटीशन है, एक तो डबल बॉन्ड के बीच में और एक क्रियात्मक समूह के बीच में। देखना दोस्तों, यह एग्जांपल आपको बहुत कुछ सिखाएगा। क्रियात्मक समूह और डबल बॉन्ड में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? तो क्रियात्मक समूह की प्रायोरिटी ज्यादा है डबल बॉन्ड से, तो कम नंबर किसको मिलेगा? क्रियात्मक समूह को। बड़ा कौन है? क्रियात्मक समूह। पहले पानी कौन पिएगा? क्रियात्मक समूह, तो पहले इसको कम नंबर मिलेगा, 1 2 3 4। जबकि अगर डबल बॉन्ड और प्रतिस्थापी में देखा जाए तो बड़ा कौन है? डबल बॉन्ड। पहले पानी कौन पिएगा? डबल बॉन्ड। पिया भी था, देखो यहां पर
यहां पे डबल बॉन्ड बड़ा था इसलिए इसको कम नंबर मिला प्रतिस्थापी के सामने, डबल बॉन्ड को कम नंबर मिला क्योंकि स्थान उच्च था प्रतिस्थापी के सामने, यहां पे डबल बॉन्ड को बड़ा नंबर मिला बाद में पानी पिया इसने, वो पानी पीने वाला एग्जांपल कंपेयर करा रहा हूं मैं आपको मेहमान वाला, तो इसने बाद में पानी पिया क्योंकि इसकी प्रायोरिटी कम थी, ये इसका ये बुजुर्ग था तो इसने पहले पानी पिया। आया समझ में? तो डबल बॉन्ड और प्रतिस्थापी में डबल बॉन्ड जीतेगा क्रियात्मक समूह और डबल बॉन्ड में क्रियात्मक समूह जीतेगा। नाम लिखिए, नामांकन में आपने दिमाग लगा लिया, अब दिमाग नहीं लगाना, अब फॉर्मूला लगाना है, लगाओ फॉर्मूला। क्या सीएलबी ऐसा कुछ है? नहीं है। रिंग बन रही है? नहीं बन रही। कितने कार्बन है? एक दो तीन चार, चार कार्बन के लिए क्या लिखते हो? ब्यूट। डबल बॉन्ड है? बिल्कुल है। कौन से नंबर के बाद में है? थर्ड के बाद में है, तो ब्यूट थ्री, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हो? इन, और ट्रिपल के लिए आइन। तो ब्यूट क्योंकि चार कार्बन है, यहां तक पहुंच गए हम। उसके बाद डबल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड होता है और सिंगल बॉन्ड भी होता है तो हम केवल किसको मेंशन करते हैं? डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड कौन से कार्बन के बाद में? देखो फर्स्ट पे तो OH है, सेकंड पे कुछ नहीं है, थर्ड के जस्ट बाद में डबल बॉन्ड है, इसमें लिखा है ब्यूट थ्री इन। उसके बाद में क्या कोई बड़े बड़े लोग हैं? बिल्कुल है। कौन है? एल्कोहल है। कौन से नंबर पे है? फर्स्ट पे। एल्कोहल के लिए क्या लिखते हैं? अपन ऑल लिखते हैं, तो इन वन ऑल, इस तरह से इसका नाम लिखा जाए। तो मैंने आपको वो कॉम्बिनेशन सिखा दिए कि अगर प्रतिस्थापी, डबल बॉन्ड और क्रियात्मक समूह एक साथ आए तो प्रायोरिटी क्रियात्मक समूह की सबसे ज्यादा है, नंबर सबसे कम मिलेगा, ये मेहमानों में सबसे बुजुर्ग है, पानी सबसे पहले पिएगा, ये वाली बात। बाकी ये चार एग्जांपल हमने किए जो आपको इस बात को क्लियर कर सके। और यहाँ पे ये जो मैंने लिख रखा है ना, कार्बोक्सिल सल्फो वल्फो, ये सब नेक्स्ट वाले वीडियो में समझ में आएगा कि ये क्या चीज है। अभी तो इतना याद रखें कि अगर ये सारे क्रियात्मक समूह आते हैं तो इनके लिए ये सारे आपको लगाने होते हैं, और उसकी कुछ प्रैक्टिस मैंने आपको कराई। बाकी ट्वेल्थ क्लास में अपने आप में अलग अलग चैप्टर्स हैं, ये अपने आप में एक चैप्टर है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, नाइट्राइल अमाइड अपने आप में एक चैप्टर है, एल्कोहल कीटोन अपने आप में एक चैप्टर है। तो ये सारे अलग अलग चैप्टर्स आएंगे, तब मैं आपको वापस उनके अंदर इंटरनल नामकरण वापस सिखाऊंगा, अलग अलग प्रैक्टिस करवाऊंगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले चैप्टर में कार्बोक्सिलिक की क्वेश्चन करेंगे, एस्टर वाले में एस्टर का करेंगे, एल्डिहाइड कीटोन में कीटोन का करेंगे, एल्कोहल चैप्टर में एल्कोहल का करेंगे। तो डरिए मत, ये सब अपन और अच्छे से पढ़ने वाले हैं, बट ये जो सीरीज है इसका उद्देश्य है आपके बेसिक्स को क्लियर करना। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आई विल सॉल्व इट। और अब इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि अगर क्रियात्मक समूह बहुत सारे आ जाए, जैसे मान लो ये भी आ गया, एल्कोहल भी आ गया और उसी कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक भी आ गया, तो क्या करते हैं? अभी तक तो आपने क्या सीखा? क्रियात्मक समूह प्लस डबल बॉन्ड प्लस प्रतिस्थापी। अब हम सीखेंगे अलग अलग क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह प्लस क्रियात्मक समूह, वो हमारा नेक्स्ट वाला वीडियो होगा। और इसके बाद हम लोग ट्वेल्थ क्लास का ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, जिसका नाम होगा हेलो एल्केन एवं हेलो अरेन। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डे नोटिफिकेशन। थैंक यू।